के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं सरगोधा के नवाही कस्बा फारूका से, जहां से बता रहे हैं। जी जमात इस्लामी फारूका के ज़ेर इंतज़ाम शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व फ़रीज़ा इक़ामतुद्दीन के उन्वान से मोटिवेशनल सेशन का अहतमाम किया गया। सेशन के मुंतज़िमीन में अमीर जमात इस्लामी फारूका हाफिज़ मोहम्मद असलम, सैयद आमिर अली काज़मी और हाफिज़ उमर फारूक शामिल थे, जबकि मुकर्रीन में सदर अलखिदमत फाउंडेशन तहसील साहिवाल व मरकज़ी रुकन जमात इस्लामी पाकिस्तान हाजी जाहिद हुसैन और उम्मीदवार जमात इस्लामी पीपी अस्सी राय फैसल फारूक गुडीश शामिल थे। मुकर्रीन ने फ़ज़ाइल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व फ़लसफ़े शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रोशनी डाली। मुकर्रीन का कहना था कि शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमें यह सबक मिलता है कि वक़्त की यदीद के सामने डट जाना और कलमा हक बयान करना चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न चली जाए। उनका मजीद कहना था कि जमात इस्लामी पाकिस्तान अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज करना चाहती है, इसलिए लोगों को चाहिए कि जमात इस्लामी का साथ दें। इस मोटिवेशनल सेशन में सियासी समाजी सहाफ़ती शख्सियात के अलावा इलाका भर से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन दाऊद सुल्तान के साथ उमर चौधरी, सिटी न्यूज़ फारूका, ज़िला सरगोधा।